वेलकम बैक शिखर डॉट एस सी एस। जैसा कि नेट के एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है, आप देख सकते हैं ये कट ऑफ है। ठीक है, नेट एग्ज़ाम जो हुआ था दिसंबर में उसकी कट ऑफ आ गई है और नेट का रिजल्ट भी आ गया है, तो आप लोग चेक कर लीजिए, अभी कुछ देर पहले ही आया हुआ है। जैसा कि आप बात करें हम कंप्यूटर साइंस की, वैसे तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर सबकी कट ऑफ दी हुई है सब्जेक्ट वाइज। अगर देखना चाहें तो असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF दोनों की दी हुई है, आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और यहाँ पर JRF की, और सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सब्जेक्ट 1 2 सबकी दी हुई है। ठीक है, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं, आप वेबसाइट पे जो इसके दिया हुआ है वो भी देख सकते हैं। और बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ कितनी गई हुई है देखते हैं। तो ये रहा कोड सब्जेक्ट 87। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो कट ऑफ गई है कंप्यूटर की, यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखें अगर आप, तो देखिए यहाँ पे जर्नल की अनरिजर्व की गई है 62। ठीक है, अनरिजर्व की यहाँ पे देखिए अगर आप, तो यहाँ पे 62 गई हुई है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 62 गई हुई है, ये 62 है यहाँ पे ये, और 62 इसमें गई हुई है अनरिजर्व में। और OBC की जो गई हुई है ये देखिए आप, OBC की यहाँ पर ये वाली है ये 58, और SC की जो गई हुई है ये JRF का है कट ऑफ। ठीक है, ये JRF का है। अगर हम उसकी बात करें नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप जर्नल में देख सकते हैं कि 54 गई हुई है, और OBC में देखें तो 48 गई हुई है, ये पहले ऊपर वाला है। 46 जो है SC की गई हुई है, 46.67 SC की गई हुई है, और ST की जो है 46 गई हुई है। तो काफ़ी कम अंतर है SC और ST में। ठीक है, यहाँ पर आप अगर देखें SC और ST का, तो 46 और 40, थोड़ा सा अगर इसे लार्ज करके देखें हम, ओके थोड़ा इरेज कर लेते हैं, इसे फिर से देख लेते हैं एक बार, तो इस तरीके से कुछ कट ऑफ गई हुई है। इसे लार्ज करके देखते हैं ये, अब यहाँ पर सही से आप देख सकते हैं कि कट ऑफ गई हुई है इस तरीके से। तो यहाँ पर ये आप देखिए, ये OBC की है तो ये है 48। ठीक है, और SC की अगर आप देखें यहाँ से मैच करें तो ये गई हुई है 46.67, जबकि SC की JRF में 55.3 गई हुई है। ठीक है, 55.3, ये 55.3 गई हुई है, और ST की बात करें तो 53.33 JRF की गई हुई है, जबकि कट ऑफ जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है वो 46.00 गया हुआ है, यानी 46। तो SC और ST में देखें तो 0.67 का अंतर आया है, जबकि अगर बात करें हम लोग इसकी OB जर्नल और OBC में, तो काफ़ी ज़्यादा अंतर आया है। ठीक है, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा अंतर आ गया है, क्योंकि जो इसका था इस तरीके से कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 46 इसका है, और जर्नल का जो 54 था, और OBC का है 48.67, SC का 46.67, और ST का है 46.00। ये कंप्यूटर साइंस की बात यहाँ पर हम लोगों ने की है। ठीक है, अगर यहीं पर अगर हम लोग कंप्यूटर ये और सब्जेक्ट का अगर आपको देखना है, तो आप सारे सब्जेक्ट का कट ऑफ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज सबकी सब्जेक्ट की दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो सबकी देख ली आपने, बट यहाँ पे जो इस बार हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ आया है। ठीक है, JRF का देखें तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गई हुई है, 62 गई हुई है, और 58 जो है OBC में गई हुई है, 62 JRF की जनरल में गई हुई है, और JRF की ही बात करें तो SC में 55.33 और 53.33 गई हुई है ST की कट ऑफ। तो पिछली बार जो 46 के नियर अराउंड ही कट ऑफ थी SC में, और सबके ही लगभग इसी तरीके से रेशियो रहा है। तो इसे आप देख सकते हैं अपना रिजल्ट कैसा रहा, और प्लीज़ कमेंट करके आप बताइएगा कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। ओके, और बेस्ट विशेष फॉर सभी को बेस्ट विशेष, और सबका रिजल्ट अच्छा हो। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, देख के बताइएगा आपका रिजल्ट कैसा रहा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।